वहाँ पे जाके ना बैठ के शाम सभी को एंड वेलकम बैक टू आवर न्यू वीडियो। एंड कैसे आप सब, होप करता हूं आप सब अच्छे होंगे एंड मजे में होंगे। सो फाइनली गाइस, आज के वीडियो को आप टाइटल और थंबनेल देख के समझ गए होंगे आज हम जाने वाले खाटू श्याम धाम पे। एंड गाइस, क्या सीन है कि गर्मियां हो चुकी है स्टार्ट, तो वहां पे मंदिर है वो बंद हो जाता है, तो उसकी मैं आपको टाइमिंग भी रिवील करूंगा कि क्या टाइमिंग है, वो कब तक ओपन रहता है। एंड आप दूसरी साइड से ना बहुत सारे टूरिस्ट बंदे आते हैं घूमने, तो उनको लिए उनको ना घूमने में थोड़ी दिक्कत होती है, तो क्या होता है कि उनको पता नहीं है कि कहाँ पे मंदिर है। तो एग्जैक्ट लोकेशन में आपको मैं वो ही प्रोवाइड करूंगा इस ब्लॉग में, ठीक है, और आपको फुल घुमाने वाला हूँ, फुल टूर देने वाला हूँ मंदिर का। और जो हमारा पात्रा धाम था, जो मतलब कि पात्रा धाम अब मैं बोल रहा हूँ, ठीक है, जो हमारा स्टेट लेवल पे पात्रा को जाना चाहता था, ठीक है, कि स्टेट के अकॉर्डिंग जाना चाहता था, लेकिन अब क्या हो रहा है कि वर्ल्ड लेवल पे हमारे पात्रा को पात्रा धाम के नाम से जाना जा रहा है। तो बहुत अच्छी चीज लगी मेरे को ये। एंड कुछ मतलब कि हमारा एरिया में भी एक ऐसा मंदिर बना जो वर्ल्ड के थर्ड नंबर पे आता है, ठीक है। तो अभी वो मंदिर को मैं आपको फुल घुमाने वाला हूँ। पहले भी व्लॉग बनाए थे मैंने, आपको बहुत ज्यादा बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिखा था आपने, तो इसी की तरह मतलब कि आप भी मैं व्लॉग बनाने जा रहा हूँ और आपको बारीकी से दिखाऊंगा। अब भीड़ कम होगी, उस टाइम भीड़ बहुत थी, तो ज्यादा मतलब कि बारीकी से मैं आपको दिखा नहीं पाता। फुल लुक चेक कराऊंगा मंदिर के चारों साइड घूम के कि कैसा मंदिर है, ठीक है, वो भी मैं आपको दिखाने वाला हूँ। और ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, और जो हमारे टूरिस्ट बंदे घूमने आ रहे हैं, बाहर से भी आते हैं बंदे, वो अदर कंट्री से भी बहुत आ रहे हैं, तो बहुत अच्छा लगता है कि हमारे एरिया में भी कुछ ऐसी मतलब कि अच्छी चीज बनी जिससे कि बंदे देखने के लिए घूमने के लिए आ रहे हैं। तो चलते हैं फिर सीधा, ठीक है, आपको मिलता हूँ और आपको रोड भी चेक कराऊंगा और ये भी बताऊंगा कि मंदिर कब तक ओपन रहता है और कब तक नहीं, क्या टाइमिंग है, आपको कब आना चाहिए, ठीक है। तो चलते हैं सीधा एंड मिलते हैं फिर आपको हाईवे पे। हाईवे पे रुक के मैं क्लिप लूंगा कि दिखाऊंगा कि कहाँ से आना, आपको इस साइड से आओगे तो किधर से आना पड़ेगा, उधर से आओगे तो किस साइड से आना पड़ेगा, ठीक है, तो दोनों साइड से बताऊंगा। तो मिलते हैं फिर आपको आगे रोड हाईवे। फाइनली गाइस, अभी हम पहुंच चुके हैं अपना उस पे खड़े हैं रोड पे, ठीक है, पात्रा में एंटर हुए हैं हम। तो वहां से ना जो जहाँ से बस आ रही है आप देख सकते हो पीछे, वो PRTC आ रही है। तो वहां पे मतलब कि पात्रा का ना मेन बस स्टैंड है, एक ओल्ड है वो आगे है। तो आपको क्या करना है, आप नरवाना और खनौरी वाली साइड से आओगे तो आपको सीधा पात्रा वाले मतलब ये फ्लाई ओवर है, इसके ऊपर नहीं चढ़ना है, ठीक है, नीचे से आना बस स्टैंड। तो यार नीचे देख लो, क्रॉसिंग है हाईवे की, उसकी अपनी फ्लाई ओवर की, नीचे से ब्रिज की, और इधर से हमारा ठीक है हो जाता है हमारा पटियाला साइड से, समाणा साइड से बंदे आते हैं। तो ये जो मेन ब्रिज है ना हमारा फ्लाई ओवर है, इससे के नीचे कटिंग है, कटिंग के नीचे से ये रोड जा रहा है, देख लो लिंक रोड है, और वहाँ भी इसको ये सीधा रोड जाएगा और ये सीधा सिर्फ हमारा खाटू श्याम को जाएगा, ठीक है, सीधा अब आपको दिख जाएगा। वैसे आप फ्लाई ओवर से ऊपर से आओगे ना तो आपको वहाँ से भी दिख जाएगा, बट सीन क्या होगा कि आपको ये पूरा फ्लाई ओवर क्रॉस करके ना वहाँ से सिटी में से होके आना पड़ेगा, तो बहुत भीड़ में फंस जाओगे गाइस। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, मिलते हैं, ठीक है, चलते हैं आपको दिखाते हैं फिर। सो फाइनली गाइस, व्यू चेक करो यार मंदिर के बाहर का, थोड़ी धूप हो रखी है, बाकी चलते हैं, ठीक है, अंदर से दिखाता हूँ मैं आपको। आई थिंक खुला होगा जो, और इसकी टाइमिंग बता देता हूँ आपको, गर्मियों की टाइमिंग क्या चल रही है, एक बार मैं बाइक रोक के ना फिर बताता हूँ आपको क्या टाइमिंग चल रही है, मंदिर कब तक ओपन रहता है, ठीक है। फाइनली गाइस, जैसे ही आप आओगे तो आपको यहाँ से मतलब कि अपना प्रसाद वगैरह मिल जाएगा, ठीक है, यहाँ से प्रसाद वगैरह ले सकते हो आप, और बाकी यहाँ की फुल लुक देख लो खाटू श्याम मंदिर की, बाकी फुल यहाँ से घूम के ना आप ऊपर से देख सकते हो, बाकी 5x पे भी कवर नहीं हो पाता है, ठीक है, बाकी अंदर चलते दिखाते हैं। और उसकी टाइमिंग बता दूंगा कि क्या टाइमिंग है, अभी थोड़ा सा मैंने सोचा कि भाई खुल होगी तो इसलिए मैं आ गया, ठीक है, मैंने कहा तो 1 बजे के बाद ना बंद हो जाता है दिन में 1 बजे, और उसके बाद 3 बजे खुलता है, ठीक है, तो 1 और 3 के बीच में आपको नहीं आना है। बाकी अभी अंदर चलेंगे, अंदर का व्यू चेक कराऊंगा, और मैं सीन क्या है कि ना लास्ट में वीडियो के आपको मतलब कि चारों तरफ से ना ऐसे घूम के इसकी फाइनल लुक भी दिखा दूंगा, ठीक है। तो अभी चलते हैं अंदर, मत्था वगैरह टेकते हैं। और जैसे कि मैंने आपको बता दिया कि जो हमारा पात्रा धाम था ना, इसको पहले मतलब कि जो स्टेट लेवल पे जाना जाता था, अब सीन क्या है कि ये हमारा वर्ल्ड लेवल पे जाना जाता है। जब पात्रा स्टेट के नाम से जाना जाता था, अब पात्रा धाम के नाम से जानने लगा है, क्योंकि भाई वर्ल्ड के मतलब थर्ड नंबर पे खाटू श्याम जी का मंदिर हमारे पात्रा में बना है, ठीक है। बाकी चलते हैं अंदर और आपको कराते हैं दर्शन, ठीक है। सो फाइनली गाइस, ये हमारे भाई हमारे साथ आए हैं, ठीक है, अभी चलते हैं अंदर। जय श्री श्याम सभी को, एंड कमेंट बॉक्स भर देना गाइस, ठीक है, अभी मिलते हैं आपको अंदर, आप अंदर के दर्शन कराते हैं, ठीक है, तो मिलते हैं वहीं पे। फाइनली गाइस, चलते हैं अंदर, जय श्री श्याम कमेंट कर दो। एंड अभी सॉन्ग वगैरह भी चल रहे हैं अंदर, आई थिंक कॉपी राइटर ना ही आए, तो चलते हैं। वैसे मैंने आपको पहले व्लॉग डाला था ना खाटू श्याम जी का, बहुत ज़्यादा प्यार दिखाया आपने दोनों व्लॉगों पे, तो मैंने सोचा मतलब कि ज़्यादा खुल मतलब खुल बहुत होगी, तो मैंने कहा बनाने में फ़ायदा है, और भाई बहुत सारा मतलब कि गोल्ड और सिल्वर का यूज़ किया गया इस मंदिर को बनाने में। तो चलते हैं अंदर, आपको दिखाते हैं, ठीक है। यहाँ पे आने के बाद आपको
सीधा इधर से एंटर होने के बाद इधर से आओगे ना जैसी, तो यहाँ पे ये आपको मूर्ति स्थापना हुई थी ना उसका ब्लॉग भी डाला था मैंने, वो भी चेक कर लेना जब कन्हैया मित्तल आए हुए थे, ठीक है। तो वो भी बहुत अमेजिंग ब्लॉग बना है, तो आपने नहीं चेक करा वो भी कर लेना। उसके बाद इसका अंदर का देख लो भाई लुक कैसी है। और इधर से जाएंगे हम, तो ये दान पात्र है, ठीक है। इधर भी ये भी मूर्ति लगी हुई है हमारी, तो हमारी शेरा वाली माता जी की मूर्ति है। तो यहाँ पे आप ये दान पात्र हो गया, ठीक है। और ये मेन हमारा खाटू श्याम जी है, ये देख लो। तो यहाँ से कुछ ऐसा सा व्यू है, देख रहे हो। ये मेन मंदिर मतलब कि ये हमारी खाटू श्याम जी की मूर्ति है। अगर आप यहाँ से देखते रहोगे ना तो आई थिंक आपकी विश पूरी हो, ठीक है। बाकी चल रहा है, आगे का व्यू चेक कराता हूँ मैं आपको। तो यहाँ पे आप जाओगे ना, इधर से लेफ्ट लोगे तो आपको निशान वगैरह भी मिल जाएगा, ठीक है। निशान वगैरह भी ले सकते हो आप इधर से, इधर से देख सकते हो निशान वगैरह मिलते हैं, तो वो भी आप ले सकते हो। बाकी इधर से आपको यहाँ जाएंगे, यहाँ पे मतलब कि भजन वगैरह होते हैं हम। गौर भाई क्या हाल है तुम्हारे, पंडित जी कहाँ वो बैठे हुए हैं? अच्छा बता दिया कर ब्रो, लगाना लगा दे टिक्का, लगाएगा इस टिक्का। तो अभी यहाँ से, ठीक है, ये हमारे बालाजी, बाकी बाहर चलते हैं प्रसाद ग्रहण की। यहाँ से प्रसाद लेना आपको, ठीक है। बाकी यहाँ से फुल लुक देख लो गाइस, एक बार फिर से मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखो। तो मेरा मेन मोटिव यही था, व्लॉग तो मैंने पहले भी डाल दिया था, बट सीन क्या था कि मैंने कहा भीड़ कम हो चुकी है। अगर आपने पहले वाले व्लॉग में भीड़ देखी होगी, तो जब मूर्ति स्थापना फर्स्ट टाइम दर्शन हो रहे थे उस टाइम का व्लॉग डाला था मैंने, भाई क्या ही क्राउड था यहाँ पे, क्या ही क्राउड था। मतलब कि ये एरिया ना सारा भरा हुआ था बाहर तक, ठीक है, प्रसाद गिरेगा भाई, ठीक है। तो वहाँ तक पूरा कवर हो रखा था। तो बाकी चलते हैं, बाकी बाहर का व्यू चेक कराता हूँ आपको चारों तरफ से घुमा के, ठीक है। तो मिलते हैं, हाँ भाई सहो, चलो भाई। अभी आ चुके हैं घर पे, एंड कमेंट करके बताओ आपको मंदिर कैसा लगा, घूमने में आपको कैसा लगा, व्यू कैसा लगा, मंदिर अंदर से कैसा था, कमेंट करके सब बता देना, ठीक है। और होप करता हूँ आपको मंदिर बहुत अच्छा लगा होगा, क्योंकि मेरे को भी अच्छा लगता है क्योंकि घूमा वहाँ पे, तो थोड़ा ना मतलब कि आज फुल बहुत थी, आपने देखा कि भीड़ नहीं थी। तो मैं इसी टाइम पे गया था जब मंदिर बंद होने वाला था ना, तो मैं तब गया था, मतलब कि ऐसा था कि एक आधा घंटे के बाद मंदिर बंद हो जाएगा, तो मेरे को पता था कि अभी खुला होगा, तो कोई भी नहीं था वहाँ पे, इतनी खास भीड़ नहीं थी और बहुत मजा आया वहाँ पे, बैठे भी थोड़ा अच्छा लगा, मतलब कि
पीस नहीं होता, सुकून मिलता है वहाँ पे बैठ के, बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, सबको आना चाहिए। एक बार मैं आपको बोलूंगा कि अगर आप पास से हो तो एक बार प्लीज से जरूर घूम के जाना, बहुत अच्छा मंदिर बना हुआ है। बाकी आप भी कमेंट करके बता देना कैसा कैसा लगा आपको, ठीक है, जो कि आपने देखी लिया व्लॉग में। अगर आपको इसी तरह का मतलब कि व्लॉग अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। एंड अच्छा लगता है दिल से कि हमारे एरिया भी बहुत प्रसिद्ध हो रहा है और ऐसे ऐसे मंदिर हमारे एरिया में बना है जो कि वर्ल्ड पे थर्ड नंबर पे जाना जा रहा है। ठीक है, तो बहुत अच्छा लगता है, बहुत इंटरेस्टिंग चीज बनी है तो अच्छा लगता है। बजट भी बहुत हाई था इसका, जब मैं पिछला व्लॉग बनाया था मैंने कन्या मित्तल जाए थे, अगर आपने वो नहीं देखा तो वो भी चेकआउट कर लेना, हमारे चैनल पे मिल जाएगा आपको या डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, तो जब कन्या मित्तल आए थे तो उस टाइम बहुत क्राउड था, तो मैं बारीकी से दिखा नहीं पाया था। उस टाइम लगा था 13 करोड़ रुपए मंदिर पे इन्वेस्ट हो चुका था। ठीक है, ऑलमोस्ट अभी भी काम चल ही रहा है और अभी भी बहुत पैसा लग चुका है, अभी करोड़ों के हिसाब से पैसा लग रहा है। तो बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगा मंदिर। और जब इनको मतलब कि जब बनाना था ना मंदिर, तो इन्होंने पता क्या क्या सीन किया था मंदिर बनाने के लिए, सिर्फ छोटी सी प्लेस ली थी कि हम खाटू श्याम जी का मंदिर बनाएंगे, बट कुछ ऐसा हुआ हमारे खाटू श्याम जी को मंजूर था कि कुछ ऐसा बड़ी कुछ चीज हमारे एरिया में बने जो हमारे मतलब कि हमारे सिटी को कुछ ऐसा रूप दे जो मतलब कि वर्ल्ड लेवल पे जाना जाए। ठीक है, तो ऐसा सीन हुआ और पता नहीं लगा मंदिर भाई कैसे क्या मतलब कि क्या बन गया। ठीक है, तो बहुत अच्छा लगता है। तो इसी के साथ करते हैं, वीडियो को लाइक कर वगैरह कर देना, वीडियो करते हैं और लाइक वगैरह कर देना, चैनल को सब्सक्राइब वगैरह कर देना। तो मिलते हैं किसी ऐसी अमेजिंग सी ब्लॉग में, तब तक के लिए साइन आउट, पीस आउट एंड टेक केयर, कीप लविंग कीप सपोर्टिंग, साइनिंग ऑफ सुपरास्टार ब्लॉग्स, तब तक के लिए बाय बाय एंड जय श्री श्याम सभी को, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।